जर्सी फिल्म में शाहिद कपूर के ऑपोजिट मृणाल ठाकुर को क्यों साइन किया जा रहा है? क्या मृणाल ठाकुर की डिमांड बढ़ गई है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आपको बता दें, द लेट नाइट शो पर अब होगा बड़ा धमाका, क्योंकि महा एपिसोड जीतने वाले इंसान को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। तो देखना ना भूलें हर रात 9 बजे द लेट नाइट शो बाय बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, साउथ की सुपरहिट फिल्म अर्जुन रेड्डी को हिंदी में कबीर सिंह के नाम से बनाया गया और इस फिल्म के जरिए शाहिद कपूर को वो सफलता हाथ लगी जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। तो इसी के चलते अब एक और साउथ की सुपरहिट फिल्म जर्सी का हिंदी रीमेक शाहिद कपूर के हाथ लगा है, जिसमें वो क्रिकेटर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। हिंदी वर्जन को गौतम तिन्नानूरी निर्देशित कर रहे हैं। फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश अब जाकर खत्म हुई है। फिल्म में शाहिद कपूर की हीरोइन मृणाल ठाकुर होंगी। मृणाल को आप सभी ने सुपर 30 और बाटला हाउस में देखा होगा। इनमें जॉन और ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम करने का अवसर मृणाल को मिला, जिसको लेकर वो बेहद खुश हैं। दोनों ही फिल्म इसी वर्ष रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा कारोबार किया। फिल्म के निर्देशक गौतम के अनुसार शाहिद कपूर के ऑपोजिट उनके दिमाग में मृणाल का ही नाम था। गौतम ने कहा कि सुपर 30 में उन्हें मृणाल की एक्टिंग बेहद पसंद आई। जर्सी में वो रोल के लिए बिल्कुल फिट हैं। मृणाल बॉलीवुड में देखा जाए तो काफी तेजी से बढ़ रही हैं। वेल, आपको बता दें, जर्सी फिल्म 28 अगस्त 2020 को रिलीज की जाएगी। तो आप इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और क्या आपको लगता है कि ये फिल्म भी कबीर सिंह की तरह ही ब्लॉकबस्टर बन पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।